भारत की सामुद्रिक परंपरा का इतिहास बहुत ही पुराना है। एशिया के अन्य देशों और अफ्रीका तक में हमारे संबंध समुद्र की इन्हीं लहरों से होते हुए आगे बढ़े। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। एक स्टडी कहती है कि सामान को ले जाने में अगर सड़क के रास्ते 1.5 रुपया का खर्च होता है तो उतना ही सामान ले जाने के लिए रेल के जरिए 1 रुपया लगता है। लेकिन वही सामान अगर हम जल मार्ग से ले जाएं तो सिर्फ 20-25 पैसे में ले जा सकते हैं। यह डॉक्टर बाबा साहब ही थे जिन्होंने जल शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में देखा, देश के विकास के लिए पानी के उपयोग पर बल दिया। विभिन्न रिवर वैली अथॉरिटीज, जल से संबंधित अलग अलग कमीशंस, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर का ही तो विजन था। आज देश में जलमार्ग और बंदरगाहों के लिए ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं। भारत के अलग अलग समुद्र तटों पर नए बंदरगाह बन रहे हैं और पुराने बंदरगाहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।